भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने किया। बैठक में झारखंड में पार्टी को मजबूत करने की बात हुई। साथ ही साथ पार्टी में अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि हर इलाके और प्रखंडों में अनुसूचित जाति के लोगों को बताया जाए कि बीजेपी के द्वारा इन जातियों के लिए क्या कार्य किया जा रहा है। साथ ही अनुसूचित जाति मोर्चा को और मजबूत करने की भी बात हुई। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। दूसरी ओर राष्ट्रीय महामंत्री ने बताया कि झारखंड राज्य की सरकार जनता हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ अपना जेब भरने में लगी हुई है। जिस प्रकार से काफी सालों तक कांग्रेस की सरकार ने देश की जनता को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा हुआ था, ठीक उसी प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो एक तो हमें देखना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितनी महंगाई थी। ये जो परिस्थितियां विषम परिस्थितियां देश के सामने, दुनिया के सामने, इस विषम परिस्थिति में कोरोना महामारी में आज 96 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में टीके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा चुके हैं। देश के हर गरीब को पिछले 1.5 साल से मुफ्त में खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था पहुंचा रहे। और इसके साथ साथ चाहे मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्य हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाने का कार्य हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने का कार्य हो, चाहे और किसी विकास की बात हो, आप ये देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार की योजनाएं, जो विकास के कार्य चल रहे थे वो बरकरार चल रहे हैं। और इस महामारी में अगर कोई दूसरा दल होता, कोई दूसरे दल की पार्टी होती, और आपने पहले भी देखा कि देश में 100 साल पहले महामारी आई थी, उस महामारी के लिए वैक्सीनेशन हमारे देश में आते आते 15 साल लग गए थे, और जितने लोग महामारी में बीमारी से मरे थे उससे कई गुना अधिक लोग भुखमरी से मरे थे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देशवासियों की रक्षा करते हुए, उनको बचाते हुए, और उसके बावजूद भी देश के विकास की गति में कोई कमी कहीं रुकावट नहीं आने दी, माननीय मोदी जी ने देश को आगे लेके जा रहे हैं और हर चीज पे, हर रास्ते पे, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। और पूरी दुनिया में आप देखेंगे विश्व पटल पे भारत का नाम आज नंबर 1 पे है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए खुशी की बात है। और एक बात और मैं कहूँगा कि इसके साथ साथ जो सम्मान देश के लिए धारा 370 हटाकर, धारा 35 हटाकर, और क्योंकि भगवान वाल्मीकि जयंती कल है, उनका नाम रामायण से जुड़ा हुआ है, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, जो देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था थी, भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण अयोध्या में हो, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, आप सबका भी उसमें सहयोग है, आप सब लोगों की भावना है, आप सब लोगों की इच्छा है और पूरे देशवासियों की इच्छा है, तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो हम राम राज्य की कल्पना करते थे, वास्तव में वो कल्पना पूरी और साकार होती।